नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय है सीड्स, बीज। आहार चिकित्सा परामर्श में जो भी डाइटिशियंस हैं वो आजकल बीजों का उपयोग बहुत बता रहे हैं। बीजों में बहुत न्यूट्रिशन होता है, बीजों में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे अच्छे हैं, उनकी वजह से बीजों का उपयोग हमें करना चाहिए। और चलन में आज ये आ रहा है कि अब बीजों का उपयोग लोग कर रहे हैं और उनका फ़ायदा बहुत मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि बीज में न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। डेफिनेटली बीज में न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा, क्योंकि बीज कहाँ से आया? फल से आया, फूल से आया, सब्जी से आया, पल्सेस से आया, सीरियल से आया। उसके पहले फूल या फल था, उसके पहले पत्तियां, उसके पहले टहनियां, उसके पहले तना और तने के पहले जड़। जब बीज जमीन में डाला जाता है, बीज में इतनी ताकत होती है कि बीज पुनः एक वृक्ष का निर्माण कर देता है, वृक्ष बना देता है बीज से। तो बीज बहुत उपयोगी और बहुत पुष्टिवर्धक, पुष्टिकारक है। लेकिन बीज अब हम उपयोग में लेने लगे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। बीज तो हम शुरू से ही उपयोग में ले रहे हैं। हमने क्या किया, बीज खाना बंद कर दिया था। बीज वाली सब्जियों में से बीज निकाल के फेंकना, फिर खाना। अब हमने देखा कि बीज में न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो हम अलग से पम्पकिन सीड्स, अलग से सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। तो एक तो सीड के नाम से लोगों को ऐसा लगता है जैसे कुछ नया कंटेंट है। फ्लैक्स सीड्स, अगर किसी को, जिनको बहुत फ्लैक्स के बारे में जानकारी नहीं है, उनको कहो तो उनको लगता है कुछ नया है। और उनको दिखाओ तो अरे ये तो अलसी है, ये तो हम खाते थे पहले, वही तो है। कद्दू के बीज, लोग पहले कद्दू के साथ ही खाते थे, तो ठीक है, अच्छा है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, जिस चीज में उसका उपयोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। कैसे भी करके न्यूट्रिशन मिले पूरी बॉडी को, ये बहुत जरूरी है। और नेचुरल फॉर्म में न्यूट्रिशन अगर मिल रहा है, विदाउट किसी केमिकल प्रिपरेशन के, विदाउट किसी कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स के, नेचुरली अगर कोई भी व्यक्ति न्यूट्रिशन पहुंचाने का शरीर में काम करवा रहा है, तो निश्चित ही धन्यवाद का पात्र है वो। सीड्स जैसे कद्दू के बीज में ताकत होती है, दोबारा से जमीन में जाए वो और वो कद्दू की बेल पैदा करे। तो पहले जड़ निकले, फिर वो पत्तियां निकल करके बेल चालू हो जाए तने के साथ, और धीरे धीरे करके उस पर बगर आएगा, फूल आएगा, और फूल धीरे धीरे करके कद्दू के फल में परिवर्तित होगा, वो पकेगा, और उसके बाद हम उसको वहां से ले तोड़ के लेके आते हैं। ये चीज मैं एक बार बता दूं कि पहले के समय में और आपके समय में ये अंतर है। हम इस बिना जानकारी के कि कौन सी चीज पकी है, कौन सी कच्ची, हम पहले ही तोड़ ताड़ के खा पी के खत्म कर देते हैं। जबकि ये बहुत जरूरी था कि कोई, जैसे हम भोजन किचन में बिना पूरा पके हुए नहीं खाते हैं, वैसे ही हमें खेत से पूरा पकने के बाद ही भोजन को घर में लाना चाहिए।
आधा कच्चा ही तोड़ दिया तो फिर वो उसकी गुणवत्ता पूरी नहीं है साथ में, तो ये हमें थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। तो सीड्स की बात थी, सीड में यहाँ थोड़ी सी और गड़बड़ी हो जाती है कि लोग कहते हैं सीड खा लो बस काम खत्म, इसमें ये कंटेंट्स हैं, लेकिन सीड अपना काम पूरा कब करता है? अगर हम बीज की दृष्टि से देखें तो बीज वृक्ष कब बनता है? जब उसको हम अच्छी जमीन में डालते हैं, पर्याप्त मात्रा में उसको पानी मिलता है, उसको उसके लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, धूप मिलती है जितनी आवश्यक है उतनी, ज़्यादा मिल जाए तो भी खराब हो जाए, कम मिले तो भी नुकसान होगा। तो फेवरेबल कंडीशंस में जब अच्छी मिट्टी में वो डाला जाता है तो फिर मिट्टी उसके समर्पण को, बीज जैसे ही अपने आप को मिट्टी में समर्पित करता है, मिट्टी उसके बीज के समर्पण को वृक्ष बनाकर उसको लौटाती है। अगर वो बीज जैसे आम का बीज बोया जाता है तो आम का पेड़ बनता है, नीम का बीज बोया जाता है तो नीम का पेड़ बनता है, सब्जी का बीज बोया जाएगा तो वो सब्जी की बेल बनेगी, सब्जी का पौधा बनेगा, फूल का बीज बोया जाएगा तो फूल का पौधा बनेगा। अच्छी मिट्टी और अच्छी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो, उनकी उपस्थिति जरूरी है, अकेला बीज कुछ नहीं कर सकता था। बीज को अगर हम पत्थर पर रख दें और कहें कि पेड़ बन जाए, बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बीज को मिट्टी में जाना होता है। तो हम ऐसे माने कि बीज अगर हम मुंह में डाल करके बीज के पूरे गुण लेना चाह रहे हैं तो फिर जहां हम बीज को पहुंचा रहे हैं वहां फेवरेबल कंडीशंस भी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी चीज, हम बीज नहीं और कुछ भी जितना भी खाते हैं, वो कुछ भी जो भी हम खाने पीने में खा रहे हैं, तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो पच करके एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होकर के वो शरीर में, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता नहीं है, तब तक काम ही नहीं कर रहा है। तो उसको पचाना जरूरी है, और पचाना बीज पर डिपेंड नहीं करता है, पचाना आंतों पर डिपेंड करता है। आंतें कैसी हैं? आंतों में पहले से कोई टॉक्सिक मैटर तो नहीं भरा हुआ है, मल तो नहीं जमा है, आंतों की शिथिलता तो नहीं है ज़्यादा, ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि बीज खाने के बाद भी हमको पूरा लाभ होगा कि नहीं होगा। बीज तो ठीक है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, कंटेंट्स अच्छे हैं उसमें, लेकिन वो कंटेंट, हम रोज बादाम का हलवा 1 किलो खाएं, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर हमको विटामिन ई नहीं मिलना है उससे। हम इसकी क्यों, हम तो केमिकल सप्लीमेंटेशंस की बात कर रहे हैं, केमिकल सप्लीमेंटेशन भी छोड़ दीजिए, आप तो दर्द की दवाई की बात कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम मुंह से खाते हैं जब तक वो पच करके एब्जॉर्ब होके खून में नहीं जाता, काम नहीं करता। तो दर्द की दवाई भी ओरल रूट से जब हम दर्द की गोली खाते हैं तो क्या वो जल्दी काम करती है, तुरंत काम कर जाती है? अगर हमारा पेट खराब है, हमको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसे केस में हमको दर्द हो रहा है, तो दर्द की दवाई खाओगे आप, ज्यादा आराम नहीं होगा। आप इंजेक्शन लगवाओगे तुरंत आराम हो जाएगा, तो इंजेक्शन लगने और दर्द की गोली खाने में यही तो अंतर है। इंजेक्शन हमने सीधा खून में डाल दिया, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना और इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना, दोनों में इंट्रावीनस अगर लगा दो तुरंत आराम, पेन किलर इंजेक्शन डायरेक्ट इंट्रावीनस जनरली नहीं लगाया जाता, तो फिर ड्रिप के साथ लगाते हैं। जैसे किसी को सीवियर एसिडिटी हो गई हो बहुत भयंकर, और उसके चक्कर में उसको बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट हो रही हो, उसको बहुत उल्टी जैसा मन कर रहा हो, नौजिया हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हम या तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, पेट पर बर्फ की सिकाई करवाई हमने, माथे पर थोड़ा सा गीला कपड़ा रखवाया, जैसे ही पेट ठंडा होगा एसिडिटी
पेट की जलन जो है, जलन किससे होती है, जहां जल नहीं होता, तो जल की आपूर्ति, जल मतलब शीतलता, ठंडक पहुंचा दो, आराम होगा, तुरंत आराम होगा। और फिर भी अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि तुरंत नहीं हो पा रहा है, पेशेंट इतना ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो जब रेफर किया जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में जाता है पेशेंट तो गोली दवाई नहीं खिलाई जाती है, देख लेते हैं कि बहुत परेशान है पेशेंट, उसी समय तुरंत एक बॉटल लगाई आईवी में और बॉटल में एंटासिड भी डाल दिया और पेन किलर भी डाल दिया और पेशेंट को 5 मिनट में आराम मिल जाता है। और बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा होता है तो एक स्लीप इंड्यूसर भी डाल देते हैं उसमें, 5 मिनट में 7 मिनट में पेशेंट सो भी जाता है। तो आईवी की क्या जरूरत पड़ी हमको, हमको इंजेक्शन लगाने की या ड्रिप चढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमको पता है कि पेट खराब है। ऐसी अवस्था में पेट ने अपना काम पूरा करना ही नहीं है तो हम कुछ भी मुंह में डालते हुए पेट में पहुंचाते रहेंगे, पेट से खिंच के खून में नहीं जाएगा, खून में नहीं जाएगा तो शरीर में नहीं जाएगा, और जो चीज शरीर में पहुंच ही नहीं रही काम कैसे करेगी। घुटनों में दर्द हो रहा है, टैबलेट तो हम मुंह में ही खाते हैं, कभी सुना है कि घुटने में दर्द है घुटने को काट करके टैबलेट भर दी घुटने में, नहीं करते। सिर में दर्द है तो हम क्या करते हैं, सिर के दर्द की गोली अगर खानी है हमको मुंह में तो खाते हैं, सिर को माथे को खोल के थोड़ी माथे में लगाते हैं, या फिर हम ऐसा भी नहीं करते कि मुंह में गोली भर के पानी मुंह में भर के और शीर्षासन करते हों ताकि सिर की तरफ जल्दी चढ़ जाए, करते हैं क्या, नहीं करते। कुछ भी जो भी मुंह में डालते हैं जाता पेट में है, पहले आमाशय में जाएगा, आमाशय से पाचक रसों के साथ मिलकर के आंत में जाएगा और आंत से वो एब्जॉर्ब होगा, अवशोषण होगा उसका, और अवशोषण होकर के खून में जाएगा, और अवशोषण होकर के खून में जाएगा, खून के साथ वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, वहां जाके अपना वो जो भी उसका एक्शन है वो एक्शन पूरा करेगा, ये होता है इफेक्ट। तो केवल खाना मात्र समस्याओं का समाधान नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि आप जब भी प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करें उस समय सबसे पहले एलिमिनेशन, नेचुरोपैथी में तो एलिमिनेशन ही है, नेचुरोपैथी में क्यों, योगा में भी एलिमिनेशन है, आयुर्वेद में भी एलिमिनेशन है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी एलिमिनेशन है, होम्योपैथी में भी बोलते हैं कि पहले दवाई लो तो हो सकता है रोग बहुत उभरेगा, तो हर जगह एलिमिनेशन का ही तो प्लान कर रहे हैं हम। एलिमिनेशन अगर हमने पहले पूरा कराया, आंतों को पूरा साफ करा दिया, आंतें साफ हो गई बिल्कुल अच्छे तरीके से, थोड़ा सा आंतों को कुछ ऐसा खिलाया कि वो एक्सेप्ट करना चालू कर दें, जिसको हम आराम की अवस्था बोलते हैं, हम खेतों में भी तो वही करते हैं, जब खेत में बीज डाला और बीज अच्छे तरीके से फसल नहीं दे पा रहा है, खेत में फसल अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है तो क्या करते हैं, खेती को पट छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि पट का मतलब उस कुछ समय के लिए उसमें कोई बीज नहीं डाला जाता, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसकी जमीन मिट्टी को बदलते रहते हैं और थोड़ा बहुत पानी देते रहते हैं, खाद डालते रहते हैं, थोड़ा आराम मिले उसको। जानवर भी यही करता है, जब जानवर बीमार होता है भोजन छोड़ देता है, उसको थोड़ा आराम मिल जाता है, उसके ट्रैक्ट को थोड़ा आराम मिल जाता है, और हम क्या करते हैं, हम बीमार होते हैं तो और चरना चालू कर देते हैं। तो डाइटिशियंस या जो भी आहार चिकित्सा परामर्श देने वाले लोग हैं उन्हें, हम जैसे सभी लोगों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आहार चिकित्सा परामर्श तो हम दे रहे हैं, लेकिन आहार चिकित्सा परामर्श के साथ यदि हम ये परामर्श भी दे दें कि किस तरीके से पहले 2-3-4 दिन पेट की पूरी सफाई करवा दी जाए, बल्कि हम तो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, हम तो ये भी बोल सकते हैं कि एक बार संघ प्रक्षालन की क्रिया करा दी जाए, और कराई जाती है जब दिक्कतें बहुत ज्यादा हों और हम परमिट कर पाए पेशेंट को ज्यादा पानी पीने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को लिवर सिरोसिस हो रही है, ज्यादा पानी पिला दो, संघ प्रक्षालन करा दो, यहां हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। किसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई है, एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है या क्रॉनिक रीनल डिसीज है किसी को,
ऐसे केस में अगर हम संघ प्रक्षालन करा देंगे तो फिर तो स्थिति बहुत खराब है, फिर हमको क्या कहा जाएगा, फिर हमको कहा जाएगा क्वैक्स, हम जानते ही नहीं हैं फिर भी हम फालतू में अपना सिर इधर उधर फंसाए फिर रहे हैं। नहीं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हमें जो कर सकते हैं बाय चांस उसमें से कुछ छूट जाए तो चलेगा, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो कर दिया तो मुश्किल है, फिर दिक्कत हो जाती है। और ये चिकित्सा का विभाग ऐसा विभाग होता है जहां गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से हमने, हमारी तो एक छोटी सी गलती, लेकिन उधर शरीर का एक भी ऑर्गन अगर खराब हुआ तो मरीज की पूरी लाइफ खराब हो सकती है, पूरा जीवन काल उसका बीमारी की अवस्था में जा सकता है। तो हमें बहुत ध्यान में रखकर सारी चीजों को बहुत समझकर सूझबूझ के साथ किसी को भी परामर्श देना चाहिए। लेकिन फिर भी आहार परामर्श के साथ अगर हम ये परामर्श दें कि कैसे भी करके पेट की सफाई करवाई जाए और पेट की सफाई अच्छे तरीके से एक बार हो जाए, उसके बाद हम अगर इजी डाइजेस्टिव फूड पेशेंट को खिलाते हैं, जिसको मरीजों का खाना बोलते हैं, सामान्य तौर पर देखते हैं ना कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद बोले कैसे क्या खाना जा रहे, मरीजों का खाना है साहब। तो जो व्यक्ति मरीज को, जो खाना मरीज को बीमारी से उठाकर स्वस्थ बना सकता है, जो आहार मरीज को स्वस्थ बनाने का काम करता है, वो मरीजों का खाना नहीं है, मरीजों के लिए बोला जाना चाहिए। अब मरीजों के लिए वो तो एक तरीके से अमृत आहार है, जो बीमारी की अवस्था को दूर करवा दे, स्वस्थ कर दे हमको, वो तो अमृत आहार हो गया, रोगी के लिए आहार कैसे हुआ। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जो खाना जिसको हम मरीजों का खाना बोलते हैं, वही खाना हमारे लिए सबसे ज्यादा उचित और सबसे ज्यादा बढ़िया है। उसका उपयोग अगर हम कैसे भी करके कर जाएं, और हमको करना चाहिए और करना पड़ेगा, हम करना चाहिए तो चलो ठीक है बोल देते हैं लोग, लेकिन बोलना चाहिए करना पड़ेगा। और अभी अपन देख ही रहे हैं, लोग पहले ये कहते थे समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं होता, बात करने का समय नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा लेना चाहते हैं लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अब देखिए समय ही समय है, 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज भी यदि हम करना पड़ेगा शब्द बोलना चालू कर दें तो भविष्य में ऐसी स्थिति होने से बच सकती है। आज भी बचे हुए हैं वो लोग, तो आज भी बचे हैं जो इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है, लेकिन इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है वो स्वयं तो बचे हुए हैं, दूसरों के लिए खतरा है क्योंकि वो पॉजिटिव कैरियर हो सकते हैं। कोरोना का वायरस अगर हमारे शरीर पर आया, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनके शरीर पर गया, तो उनको तो लक्षण नहीं देगा, लेकिन वो जिससे मिलेंगे और उसकी इम्यूनिटी अगर किसी की कमजोर हुई तो उसको वो लक्षण भी देगा, पॉजिटिव भी करेगा। तो ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम आज भी अपनी सुरक्षा के लिए घबरा रहे हैं क्या? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो अपनी सुरक्षा के लिए, जो बहुत बलवान होते हैं मजबूत होते हैं वो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए थोड़ी परेशान होते हैं, वो देखते हैं अपने परिवार, हमारे साथ के जितने लोग हैं उनको कोई कष्ट ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा के लिए परेशान रहते हैं। तो आज भी स्थिति वैसी है। अगर आज मान लीजिए भारत में सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती, किसी की इम्यूनिटी खराब नहीं होती, तो फिर इतना चिंता का विषय ही नहीं बनता ये कोरोना। तो ये कैसे सही हो सकता है? ये होगा हम अच्छा पोषक आहार करें, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बीजों में बहुत अच्छा पोषण होता है, पोषक तत्व तो बहुत अच्छे मात्रा में होते हैं उसमें, तो बीजों का उपयोग जरूर किया जाए। बीजों में, बीजों के उपयोग के लिए आप चाहें तो कच्चा खा सकते हैं बीजों को, या फिर अगर पॉसिबल हो तो उनको हल्का सा तवे पर थोड़ा सा गाय का घी या फिर नारियल का तेल या फिर हम आलमंड ऑयल
जो एडिबल आलमंड ऑयल होता है उसको डालकर हम ऑलिव ऑयल का उपयोग भी कर सकते हैं, उसको डालकर हम उसमें हल्का सा उनको रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन रोस्ट का मतलब ये नहीं है उसमें नमक मिर्ची सब मिला देंगे, नमक मिर्ची मिला दिया फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो केवल रोस्टिंग उसकी कर दी हल्की सी और उसको फिर हम चम्मच से एक चम्मच सवेरे एक चम्मच शाम को खा सकते हैं। बीजों में किस बीज में कौन सा न्यूट्रिशन कौन सा इंग्रेडिएंट है जो किस बीमारी में फ़ायदा करेगा, इसके लिए अपन हर बीज के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से वीडियो बनाएंगे, उसको अपन देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये कि बीज किस तरीके से हमको फ़ायदा करेगा, करेगा करता है कि नहीं करता है, इसकी पुष्टि के लिए ये वीडियो बनाया हुआ था। तो आप इसे पूरा सुना होगा, आशा है कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत लगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।